हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा डिनर रूटीन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल की रेसिपी। नॉर्मल दाल चावल बनाने जा रही हूँ। तो आप सभी ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सोबर, जिसे दाल चावल नहीं भी आता वो भी उसको भी आ जाएगा। तो चलिए आज बना कर मैं आपको दिखाती हूँ मेरा डिनर रूटीन है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर ये मैंने अरहर की दाल ली है। ये अरहर की दाल है और ये दो कटोरी दाल है। अच्छे से अभी जस्ट मैं इसको वॉश करूँगी साफ पानी तक। यहाँ मैंने आपको बताया था हम लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते, तो हरी मिर्ची ज़्यादा ली है मैंने, ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि हरी मिर्ची ज़्यादा नुकसान नहीं करती। और दो प्याज लिए हैं, 10 से 12 लहसुन होंगे, उनको मैं ओखली में कूट दूँगी। अच्छे से कूटना कूट कर बनाऊँगी। मिर्ची को अच्छे से कट कर लूँगी, प्याज को कट कर लूँगी, टमाटर भी डालूँगी इसमें मैं। दाल चावल रोटी, सिंपल रेसिपी, लेफ्ट ओवर सुबह का। मैंने सुबह मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने मॉर्निंग में बनाए थे राजमा चावल और दही थी लेफ्ट ओवर, मतलब जो पहले की दही थी। और चलिए मैं आपके साथ बनाती हूँ दाल चावल की रेसिपी। तो यहाँ मेरा प्याज कट हो गया है, हरी मिर्च मैं भी कट कर लूँगी जल्दी से। यहाँ मैंने लहसुन को थिनली तो नहीं काटा है। हाँ, अब ये देखिए, ये है हमारा लहसुन जो कि मैंने इसको कुचल लिया है, अच्छे से दाल को धो लिया है। कुकर की गैस ऑन की है, जस्ट अभी ही कुकर चढ़ा दिया मैंने। यहाँ मैं दाल चावल रख रही हूँ, चावल की भी फ्लेम हाई ही है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका चावल कच्चा कच्चा ना बने, गले में अटक जाने से ना बने, तो उसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस और घी ऐड कर सकते हो चावलों में। और मेरे ये जो कुकर का ढक्कन है ना, इसकी जो ये रबड़ थी ये ढीली हो गई थी, ठीक तरह से कुकर बैठ में एडजस्ट नहीं हो रही थी रबड़ ढक्कन पे। तो मैंने क्या करा, इसको इसकी जो रबड़ थी ना उसको फ्रीज़र में रख दिया अच्छे से 1-1.5 दिन के लिए, ताकि टाइट हो जाए। तो ये अच्छे से टाइट हो गई है। आज मैंने इसी में दलिया आपको सुबह बनाकर दिखाया था, और यही कुकर था। तो चलिए अब मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ कुकर में। अच्छे से ढक्कन लगा दूंगी इसमें मैं। ये बैठ गया है, अच्छे से बैठ गया है। सुबह ही मैंने इसमें दलिया बनाया था दादी के लिए। ये कुकर बहुत अच्छे से सेट हो गया है हमारा। हाँ, यहाँ मैंने अपना दाल का कुकर चढ़ाया है। अजान हो रही है, हमारे घर के जस्ट पास में ही मस्जिद है, तो वहाँ ये शाम की नमाज है, तो अजान हो रही है उसकी। यहाँ मैंने ये ऑयल मैंने गरम कर लिया है, अच्छे से हॉट हो गया, ये गरम हो गया। मैं यहाँ पर अच्छे से लहसुन जो मैंने कूटा था ना, मैं ये ऐड कर दूँगी। तो गाइस, हम लोग रात को दाल चावल ही ज़्यादा, अगर हमें कुछ डिनर का पतन चलता है ना कि क्या बने, तो हम लोग यही दाल चावल ही खा लेते हैं। दाल चावल रात को भूख इसी से मिटती है हमारी। तो ये आप भी प्लीज़ घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये घर पे आप इस तरह से दाल अगर बनाएंगे ना, घर वाले मांग मांग कर खाएंगे। तो यहाँ मैंने डाल दिया लहसुन। अब मैं ऐड करूँगी जो मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची काट कर रखी है, उसके बाद मैं ये ऐड करूँगी। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो सुमित कुमार एक सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मुझे मशरूम की रेसिपी बताइए, तो मैं जल्दी ही आपकी मांग पूरी करूंगी रेसिपी। यहाँ 2 सीटी हो गई चावलों की, मैं इसे बंद कर रही हूँ और यहाँ मैं हाई कर लूँगी अपनी फ्लेम को। और यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये
हमारा लहसुन है अच्छे से ब्राउन हो गया। यहाँ मैं ये हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी इसमें। फ्लेम कम कर देंगे हम अपनी और जस्ट प्याज ऐड कर दूंगी मैं इसमें। यहाँ मैं ये टमाटर जो मैंने अभी जस्ट काट करके वो डाल दी। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें हरी मिर्च मैंने ऐड करी है, मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी। सिर्फ हल्दी और नमक डालकर अपनी दाल को बॉईल कर लूंगी 2 से 3 विसल में। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालें आप। प्याज को पकने दूंगी और टमाटर पकने दूंगी, अच्छे से गलने दूंगी। अच्छे से टमाटर को गलने देंगे हम। मैं हल्का सा हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। हमें और कोई मसाले इस दाल में ऐड नहीं करने हैं। इस दाल को बच्चों से लेके बड़े तक सब अच्छे से पसंद करते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। आपको पता ही होगा दालों के बारे में क्या क्या इसमें प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। यह मैंने टमाटर अच्छे से इसको गला दिया है, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसमें अरहर की दाल ऐड कर दूंगी। गाइस प्लीज मेरी वीडियो एंड तक देखना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आपके साथ में लेकर आ पाऊँ। ये मैं इसको अच्छे से चला दूँगी। गाइस अगर आप चावल बना रहे हैं, चावल दो, अगर दो कटोरी चावल है तो आप इसमें 3 कटोरी पानी ऐड करें ताकि आपका चावल बहुत अच्छे से बने। जितना चावल होता है उसके एक गिलास एक्स्ट्रा हमें पानी डालना होता है, या आधा गिलास आपके चावलों पर डिपेंड है वो। तो यहाँ मैंने 3 कटोरी दाल ली है, सॉरी 2 कटोरी दाल ली थी आपको बताया था। तो मैं अच्छे से इसमें पानी ऐड कर दूँगी। दाल जैसे आप लोग खाते थे या फिर नॉर्मल उस तरीके से आप पानी इसमें ऐड करें। मैं इसमें थोड़ा सा अचार का भी फ्लेवर टैंगनेस लाने के लिए मैं इसमें ये मैं पानी ऐड कर दूंगी। नॉर्मल दाल बनी है, सादी दाल हमारे गांव में बहुत अच्छे से खाते हैं इसको। ये दाल हमने छौंक दी है अच्छे से, अब पानी थोड़ा सा और डालना है। हम ज़्यादा थिक दाल नहीं खाते, नॉर्मल दाल खाते हैं। तो मैं इसमें पानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूँगी और इसमें थोड़ा सा हम अगर आपके घर में आम का अचार है या फिर खटाई है तो आप उसे डालने, दाल में टेस्ट बढ़ जाएगा। मैं इसमें एक ये जो फांक है ना आम की, मैं इसे ऐड कर दूंगी, बहुत टेस्टी दाल हो जाएगी। थोड़ा सा अचार का मसाला,
ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैंगो पिकल है। ये फन टॉप का प्रीमियम क्वालिटी, यहाँ इसके सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये पिकल मतलब हम लोग 2-3 साल से खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे, अगर आपके वहाँ पर अवेलेबल हो तो। टेस्ट इसका एकदम बाहर के अकॉर्डिंग से, आप बाहर से लेकर आते हो ना, सॉरी घर का बना हुआ, एकदम से इसका टेस्ट घर का बना हुआ टेस्ट होता है, और बहुत ही अच्छा यमी ये पिकल है। ज़रूर आप इसका मिक्स्ड पिकल भी है, इसका आप ट्राई कर सकते हो, बहुत टेस्टी है। और ये कुकर बहुत सही है, वो छोटा कुकर में थोड़ी सी दिक्कत थी, ये कुकर ठीक है। मैं इसको 3 से 4 विसल आने तक इसको पकाऊंगी, और यहाँ जितना भी मैस क्रिएट हुआ मैं इसको सब अपनी जगह पर रख दूंगी। जितना भी नमक है, अचार है, देख पा रहे होंगे मैंने ये दाल प्रिपेयर करी है, चावल बन गया है, राजमा बन, लेफ्ट ओवर रखा हुआ है, रोटी है। तो आपको मेरी थाली आज ठीक कैसी लगी मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।